दोस्तों, यदि YouTube पर आप किसी और की वीडियो डालकर YouTube से पैसे कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप शर्मा आरटेक में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी YouTube पर अपना एक चैनल बना करके उससे पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन आपको ना तो ये पता है कि वीडियो कैसे बनानी है और ना ही आपको ये पता है कि वीडियो के लिए टॉपिक कहाँ से लाने हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे YouTube चैनल बताने वाला हूं जहां से आप उनकी वीडियो लेकर के अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं उन चैनलों के नाम जहां से आपको अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस लेनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले YouTube चैनल का नाम है 5 मिनट क्राफ्ट। दोस्तों, इस चैनल की वीडियो आपने कभी ना कभी देखी होगी क्योंकि यह चैनल काफ़ी फेमस है। यहाँ से दोस्तों आप अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइफ हैक्स के रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं। दूसरे चैनल का नाम है 5 मिनट रिपेयर। यदि आप रिपेयर टाइप वीडियो चाहते हैं अपने YouTube चैनल के लिए, अपने YouTube चैनल पर रिपेयर टाइप वीडियो डालना चाहते हैं तो आप इस चैनल से वीडियोस ले सकते हैं। तीसरे चैनल का नाम है दोस्तों रिन हैंडमेड। दोस्तों, यहाँ पर आपको हाथ से बनाई चीज़ों की वीडियोस मिलती हैं। इन वीडियोस को उठा करके आप अपने YouTube चैनल पर डाल सकते हैं लेकिन कैसे डालनी है उसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो आप गलती कर दोगे और आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। मोनेटाइज तो नहीं होगा लेकिन डिलीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चौथे चैनल का नाम है 123 गो हिंदी। यहाँ पर दोस्तों आप वीडियोस ले सकते हैं अपने YouTube चैनल के लिए। और लास्ट चैनल का नाम है यहाँ पर ब्लू सम। दोस्तों, यहाँ से भी आप अपने YouTube चैनल के लिए वीडियोस ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको अपनी वीडियो के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से लेना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी आपको कहीं और नहीं जाना है, वो भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पर एक चैनल मिलेगा NCS नाम से, यानी नो कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम से। उस पर आपको जाना है, वहाँ से जो भी आपको म्यूजिक साउंड जो भी आपको पसंद आता है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब दोस्तों आपके पास वीडियो हो गई, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, अब बचता है आपका साउंड। यानी दोस्तों आपको उस वीडियो के ऊपर एक रिकॉर्डिंग करनी है अपनी आवाज़ में, जिस वीडियो को आप डालना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, यानी जिस वीडियो को आपने दूसरे चैनल से लिया है, डाउनलोड किया है। जब आप रिकॉर्डिंग कर लें तो आपके पास क्या हो गया, सबसे पहला एक वीडियो हो गई, दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया, तीसरा आपकी रिकॉर्डिंग हो गई उस वीडियो के ऊपर। ये 3 चीज़ें जब आपके पास हो जाएं तो आपको करनी है अब एडिटिंग। एडिटिंग आप दोस्तों काइन मास्टर में भी कर सकते हैं और एक ऐप आता है BN नाम से। दोस्तों वो बिल्कुल फ्री है, उस ऐप से भी आप अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं काइन मास्टर में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं आपको वीडियो एडिट करके दिखा रहा हूँ। आप BN का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो भी आपके पास एडिटर है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा जिस भी फॉर्मेट में मैं यहाँ पर वीडियो एडिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इस फॉर्मेट में एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इस फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लूँगा। आप किसी भी फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी शॉर्ट वीडियो है तो आप ये और ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो के लिए है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली जो वीडियो आपने डाउनलोड की है उस वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेना है इस एडिटर में। ऐड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वो पार्ट कट कर लेना है जिस पार्ट को आप एडिट करना चाहते हैं, यानी जिस पार्ट पर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, जैसे दोस्तों मैं ये देखिए यहाँ पर किसी एक पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। उसके बाद वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद, यानी वीडियो को कट करने के बाद, आप देख लें यहाँ पर ये वीडियो 1 मिनट से ऊपर की तो नहीं है। यदि ऊपर की है तो आपको कट कर लेना है क्योंकि वो लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में आ जाएगी यदि 1 मिनट से ऊपर की होती है तो। उसके बाद सिंपली दोस्तों आपको अपनी एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो आपने डाउनलोड किया था, वो बैकग्राउंड यहाँ पर ये देखिए ऑडियो पर क्लिक करके और यहाँ पर वो बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। जैसे ये देखिए, मैंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक सेलेक्ट किया था, डाउनलोड किया था, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों जहाँ तक भी ये वीडियो आपकी जाती है वहाँ से आगे की ये जो ऑडियो है इसको कर देना है आपको कट, ट्रिम कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी वह रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर लेनी है जो आपने इस वीडियो के बारे में की थी।
तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। ऑडियो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये देखिए मिक्सर का ऑप्शन आपको मिलता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसकी आवाज़ को आपको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आ सकता है और आपका चैनल डिलीट हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो के म्यूज़िक को आप, साउंड को आप ज़ीरो कर दें, इसको यहाँ पर 100% ना रहने दें। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यदि आप अपनी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उसकी आवाज़ को कम करना चाहते हैं तो उस म्यूज़िक को सेलेक्ट करना है और उसकी आवाज़ को आपको कम कर देना है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अच्छा सा आपको एक टेक्स्ट लिख देना है, एक वाक्य लिख देना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको आउटलाइन दे देनी है अपने टेक्स्ट पर। ये देखिए जैसे यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इससे क्या होगा कि आपके जो टेक्स्ट है वो अच्छा चमकेगा। और यहाँ पर इसको बीच में कर देना है, ये देखिए थोड़ा छोटा कर देना है ताकि थंबनेल पर बिल्कुल सही आए, फिट आए। उसके बाद जो लास्ट और वाक्य बचा है और सेंटेंस बचा है उसको यहाँ पर लिख देना है एक बार और लेयर पर क्लिक करके। अब आपको टेक्स्ट ऐसे लिखने हैं अपनी वीडियो पर ताकि जो भी बंदा आपके थंबनेल को देखे वो इस वीडियो पर क्लिक कर दे और वीडियो में जैसे ही आए तो इन टेक्स्ट को देख करके आपकी वीडियो को पूरा देख कर जाए। इस तरह के टेक्स्ट यहाँ पर लिख देने हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद इन टेक्स्ट को आपको फुल लेंथ कर देना है, यानी यहाँ पर ये देखिए फुल लेंथ करने के लिए यहाँ पर सिंपली आपको सेलेक्ट करना है और आगे करते जाना है इसको। ये देखिए यहाँ पर इसको इतना कर देना है और इसी तरह से नीचे वाले को भी कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों यदि आप इस वीडियो में कुछ और फिल्टर देना चाहते हैं या फिर कुछ और एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिल्टर आप दे सकते हैं, एडजस्ट आप कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इस तरह से आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और यहाँ पर विंटेज भी आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं कर देता हूँ, तो इस तरह से आप इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं और भी तरीके से। तो मैं इतनी ही वीडियो एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद सिंपली यदि आप काइनमास्टर का यूज़ करते हैं तो ऊपर आपको क्लिक कर देना है और ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सेव वीडियो पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर जैसे ही आप करेंगे तो आपकी वीडियो ये सेव हो जाएगी, यानी आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, आपकी इस वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी और के यूट्यूब चैनल की वीडियो उठा करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल सकते हैं, आपकी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा और आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा और आप उससे पैसे कमाने लगेंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, बिल्कुल आपको उसके म्यूज़िक को यूज़ नहीं करना है। और जब दोस्तों आप किसी वीडियो को अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पर तो जहाँ से भी आपने वीडियो उठाई है उसके चैनल के नाम को अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख देना है कि भाई यहाँ से ये वीडियो ली है, आप उसके चैनल को भी देख सकते हैं। इससे दोस्तों वो चैनल वाला आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देगा। वैसे तो दोस्तों यदि आप किसी और का म्यूज़िक यानी साउंड, वीडियो का साउंड यूज़ नहीं करोगे तो आपकी यूट्यूब वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा। तो जाइए दोस्तों जल्दी से अपना यूट्यूब चैनल बनाइए और कॉपी पेस्ट करके उससे पैसे कमाइए। हम भी चलते हैं, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।